परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, सच में आप हमारे प्रति बहुत दयावंत, कृपालु, प्रेमी और भले रहे हो। आपकी दया का, आपके प्रेम का प्रभु वर्णन करने जाए तो वो वर्णन से अपार है, अवर्णनीय है परमेश्वर। और इसलिए प्रभु आप स्तुति के योग्य हो, आप असीमित परमेश्वर हो। और प्रभु हमारी मुंह के, हमारी समझ के जो भी शब्द है वो काफ़ी नहीं है। और प्रभु इसीलिए आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम आत्मा से, सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी अगुवाई करके हमें परमेश्वर की उस बारी उपस्थिति में ले जाता है। आज हम दुआ करते हैं हमारे हर गुनाह को जो हमारी मर्जी से हमने किए हैं, जो हमारी अज्ञानता में हमने किए हैं प्रभु, जो हमारी निर्बलता में हमने किए हैं, उन सारे गुनाहों को आप क्षमा करें, हमें पवित्र करें आपके पवित्र लहू से, ताकि पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु हम आपकी आराधना कर पाए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई इसके लिए चाहते हैं प्रभु। हर एक जन कहीं भी हो प्रभु, जब वो कनेक्ट हो प्रभु आपकी उपस्थिति में वो जुड़े परमेश्वर, ना सिर्फ हम दर्शक बने रहे पर प्रभु हम एक आराधक बनकर संपूर्ण अपने आप को, हमारे मन को, हमारे शरीर को इसमें शामिल करें परमेश्वर, और हमारी आत्मा एक भाव पूर्वक आपकी महिमा देने वाली बने, हम ये प्रार्थना करते हैं। आज की पूरी सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमें अंत तक प्रभु आपके साथ जुड़े रहने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा सामर्थ्य दे प्रभु। यीशु के लहू में हर एक रुकावटों को, बाधाओं को, हर एक ऐसी बेड़ियों को जो हमें रोकती है, बांधती है, पीछे खींचती है, हर एक भटकाने वाले विचारों को हम यीशु के नाम में बांधते हैं और निष्फल करते हैं। यीशु का लहू हम सभी पर और जुड़े हुए सभी लोगों के ऊपर हम लेते हैं। प्रभु आप अगुवाई करें, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। खास आपकी बेटी की आप अगुवाई करें आराधना में, जब वो लीड करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य और आपके शब्द उनके मुंह में रखिए प्रभु, ताकि वो सभी को लीड कर सके परमेश्वर। हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में प्रवेश करके आपकी महिमा कर सके, यीशु के नाम में दुआ करते हैं, इसे कबूल करें, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप खुश हैं? आज प्रभु हमारे मध्य में है, आइए हम उसको महिमा दें, उसकी आराधना करें। उसके पहले हम भजन संहिता 113 पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए, भजन संहिता 113। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो, हालेलुया। सच में वह महान है, अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया। आइए हम उसको महिमा दें, सारी सृष्टि उसकी आराधना करती है। आइए हम भी अपने हृदयों को, अपने मनों को तैयार करें उसकी आराधना करने के लिए। एक उत्तम सर्वश्रेष्ठ आराधना हमारे महिमा योग्य परमेश्वर को दें। हम मिल करके गाएंगे, तेरी महिमा गाए। हालेलुया।
करिए कि एक सर्वश्रेष्ठ उत्तम आराधना उसको देने पाए। धन्यवाद देंगे।
हाथों को उठाकर धन्यवाद करें।
प्रभु मैं हाथ उठाकर स्तुति रूप शब्द को कह कह कर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ तूने मेरे जीवन को बदला है, तूने मेरे जीवन को सवारा है। शून्य में था, दुर्दशा में पड़ा हुआ था, लेकिन यीशु तूने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन की अवस्था को बदल दिया। योग्य है, तेरा नाम महान है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने मुझे नया जीवन दिया है, तूने मुझे बदला है, तू मेरे जीवन में आनंद लेके आया है। हालेलुया। Thank you, Jesus. Shabara, ora basha kirandala rabashi kare. Stuti kariye, sach mein wo mahaan Parmeshwar hai. Oh, Yeshua. को माफ करे, मुझे नया जीवन दे, जो नए सिरे से मुझको बनाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और बशा दा मेरी खास थोरिया राशला मेरे बारा से, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पूरे आत्म से तेरी महिमा करते हैं, तन मन धन से तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरा काम पूरा होवे। प्रभु ये जीवन तुझे समर्पित है, इन जीवनों से तुझे महिमा मिले और तेरे कार्य पूरे हो, ये हमारी प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर ने प्यारो हमें नया जीवन दिया है, यीशु ने क्रूस पर उसके लिए भारी कीमत अदा की है। प्यारो यूं ही हम गाना तो गा लेते हैं कि तेरा नाम ऊंचा रहे, पर पता है प्यारो सिर्फ गाना गाने से उसका नाम ऊंचा नहीं हो जाएगा। प्रभु यीशु ने ये बात बोली थी कि जब पृथ्वी पर से मुझे ऊंचा किया जाएगा तो सबको मैं अपनी ओर खींचूंगा। हाँ प्यारो, उस यीशु मसीह ने पिता के नाम को ऊंचा करने के लिए और हमको उसके पास पहुंचाने के लिए अपने आप को नीचा कर दिया। इस जमीन में आकर वो गाड़ा गया, स्वर्ग का परमेश्वर सब जमीन के नीचे चला गया प्यारो हमारे खातिर। पर वो निष्पाप था, इसीलिए वो जमीन में गाड़ा न रहा। उसकी स्तुति और आराधना जब हम करते हैं प्यारो, एक समर्पण भी करें, क्योंकि आराधना सिर्फ गाने नहीं मांगती, आराधना हमारे जीवनों से समर्पण मांगती है।
प्रभु से कहे प्यारो, प्रभु हमारे जीवनों का अर्पण भी हम करें, प्रभु हमारे शरीरों का भी अर्पण हम करें, हमारी बातचीत, हमारे व्यवहार, यह सब कुछ उसके नाम को ऊंचा कर सकती है और उसके नाम को नीचा भी कर सकती है। पर जब आप और मैं उसकी महिमा करते हुए दुख झेलते हैं और यीशु के वचनों पर चलते हैं, सच में उसका नाम ऊंचा उठता है। और प्रभु आपको और हमें यह अनुग्रह दे कि हम उसके नाम को सच में सिर्फ गाने के द्वारा नहीं पर हमारे जीवन से भी ऊंचा करें। उसने सृष्टि तो अपने शब्दों से बनाकर निभा रखी है, अपने शब्दों से, पर हमको अपने हाथों से बनाकर उत्तम सृष्टि बनाया है। उतना ही नहीं, अपने लहू को बहाकर, अपने इकलौते बेटे को देकर उसने हमें नई सृष्टि बना दिया है। सो प्यारो, हम कितनी स्तुति उसको चढ़ाए, कितने अर्पण उसके आगे आराधना के चढ़ाए, उतने भी कम है। सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ जब हम देखते हैं उसकी महिमा को प्रदर्शित करता है। सच में वो महिमा के योग्य है ही। आपके और मेरे नहीं गाने से, आपके और मेरे महिमा नहीं देने से उसकी महिमा में थोड़ी भी कटौती नहीं हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग शायद लेट ज्वाइन होते होंगे प्रभु की वर्शिप में, आराधना में। आपके लेट ज्वाइन होने से उसकी महिमा में कटौती कुछ भी नहीं होती है, वो तो महिमामय है ही। पर यह अवसर उसने हमें दिया है कि पूरे रिस्पेक्ट और आदर के साथ एक आराधना के भाव में अपने आप को चढ़ा दे प्यारे। जब हम पूर्व तैयारी के साथ, जब सब कुछ झेलते हुए समय पर उपस्थित रहते, सच में हम अपने आप को चढ़ा देते हैं प्यारे। आप सोचे कितना कष्ट झेलकर आप समय पर उपस्थित हो जाते हो। यह सब कुछ आराधना का एक हिस्सा है। मुझे नहीं पता ये बात मुझे मेरी आत्मा में प्रभु ने क्यों रखी, पर हो सकता है आप में से कोई है जो जो घटता हुआ मान प्रभु को देना चाहिए वो देने में शायद पीछे है। प्रभु अनुग्रह दे हम सभी को। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया, जो मर करके जीवित हुआ हो ऐसा सिर्फ एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह, और उसकी शरण में हमें शांति और आनंद मिलता है। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए कहेंगे, जिंदा खुदा है वो, यीशु मसीह है उसका नाम, उसकी में लेता शरम, शांति और आनंद के साथ। अंधेरी दुनिया में वो एक जलते हुए दिए के समान है, इस वीरान और सुनसान दुनिया में वो शम्मा की ज्योति, वो हमारे राहों के लिए उजियाला है। सुनी राहों में वो मेरे लिए एक पुकार है और वो मेरी तड़प है। आइए हम मिलकर के कहें और प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को आदर दे, प्रभु को मान दे और कहें कि प्रभु मुझे हर पल तेरी जरूरत है और तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं।
अगर यीशु इस धरती पर ना आया होता, अगर उसने हमारे पापों की कीमत ना चुकाई होती, अगर उसने क्रूस पर शैतान को न हराया होता, अगर वो मृत्यु पर विजय न पाया होता, तो आज हमारी अवस्था क्या होती? आज हम किस दिशा में होते? सच में प्रियो, न तो हमारे पापों के लिए कोई इलाज होता, ना ही हमारे शैतान के हाथों से छुटकारा होता, और ना ही मृत्यु के लिए कोई आशा होती कि फिर जीवन मिलेगा या नहीं। लेकिन यीशु जीवित है और उसके प्रेम ने उसको धरती पर खींच लाया, आपके और मेरे लिए वो अपने आप को बलि चढ़ाए और हमको जीवन दे जाए। हालेलुया, फिर से कहेंगे जिंदा खुदा है वो। जिंदा खुदा है वो, यीशु मसीह है उसका नाम, उसकी मिले का शरण हमारा महान परमेश्वर। शायद आपको पहले भी सुना होगा आपने या तो पढ़ा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है प्यारों घूमती रहती है ना, हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, पर पता है किस स्पीड से वो घूमती है? हमको एक दिन गुजरता है 24 घंटे लगते हैं, बराबर एक दिन गुजर जाता है 24 घंटे, पर इस दौरान पृथ्वी का एक चक्कर लगता है, पर वो एक चक्कर वो कितनी गति से लगाती है वो कभी आपने सोचा है? वो चक्कर बहुत ही चौंकाने वाली वो बात है प्यारे, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। कैन यू इमेजिन, आपने ऐसी कार या ऐसी कोई स्पीड कार या तो ऐसा प्लेन देखा है जो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा का ताकत रखता है, ऐसी स्पीड से ऐसी गति से चलती है? और ये तो आज की बात नहीं है, युगों से ये पृथ्वी चल घूम रही है। आप सोचो, बाइबल में प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि उसने अपने शब्द से, वो अपने शब्द से इस सृष्टि को निभाता है, वो आज भी घूम रही है वो पृथ्वी। जस्ट इमेजिन, जरा सोचिए, हमारा परमेश्वर जिंदा ना होता, संसार के नामों की माफिक हमारे परमेश्वर में अगर पाप होता तो उसके शब्द जीवित न रहते, उसके शब्द मरे हुए होते और ये पृथ्वी का अंत कब का हो चुका होता। पर हमारा परमेश्वर जीवित है और सच्चा है, उसमें कोई पाप नहीं है, वो निष्पाप परमेश्वर है, और इसलिए ये पृथ्वी उसके शब्द में वो ताकत है, वो सच्चाई की ताकत है कि उसको अधीन, उस शब्द के अधीन होना ही पड़ता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना प्यारा।
वो महिमा के योग्य है। वो अपने ही शब्दों से हमें हमारी वीरान जिंदगी में शांति लाता है। आपको लगता हो आपकी जीवन की वीराना जैसी है, कहने को तो बहुत सारी भीड़ है, हमारे आसपास बहुत सारे रिश्तेदार हैं, पर आपको पता है कि आपकी जिंदगी वीरान है कि नहीं? आपके आसपास इतने लोग होने के बावजूद आपको लगता है कोई नहीं है मेरे पास, पर एक बात ना भूले, उस यीशु का शब्द यह कहता है जो इस पृथ्वी को आज तक गोल गोल घुमाए रहा है, जिसके शब्द से घूम रही है पृथ्वी, वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। इस संसार में तुम्हें बहुत क्लेश है, संकट है, दुख है, पर हिम्मत रखो, ढाढ़स बांधो, इसीलिए मैंने ये शब्द तुम्हें कहे हैं, मैंने इस संसार पर जय पाई है। वो जय पाने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, इसलिए गाने में हम गा रहे हैं, वीरान दुनिया में शम्मा की ज्योति है, वो कोई नहीं है, सब होने के बावजूद वीरान लगता है, पर वो ज्योति के समान आपके साथ है। अंधेरे दुनिया लगती है, पर दूर देखे जब वचन में देखोगे तो वो एक दिए के समान जलता हुआ दिखाई देगा, जो कोई भी आंधी में भी वो दिया बुझेगा नहीं, ऐसा दिया है वो। दुनिया की कोई आंधी उसको बुझा नहीं सकती है, कोई हवा उसको मिटा नहीं सकती है, वो दिया जलता रहेगा आपके लिए जब तक आप उसकी शरण में रहने का प्रयास करोगे प्यारो, वो हमेशा जलता रहेगा। वो हमारी शरण है प्यारो, उसका नाम हमारी शरण है, और जब हम उसकी शरण में रहते हैं शांति और आनंद हमारे आसपास रहते हैं। दुख और तकलीफ होती है पर शांति आनंद जाते नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और ऐसे ही हमारा समय एक दिन गुजर जाएगा, हम शायद इस पृथ्वी पर रहे ना रहे, पर यीशु जल्द आने वाला है अपने वायदों को पूरा करने के लिए, जल्दी ही आएगा वो। अगर हम जीवित रहेंगे तो पौलुस इस प्रकार कहता है कि जाना है उसके साथ रहता जहां है वो। पहला थिस्सलुनीकियों में यह वचन लिखा है कि फिर हम जो जीवित रहने वाले हैं उसके साथ उठा लिए जाएंगे और सर्वदा उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। वो लेने आने वाला है प्यार, समय बहुत जल्द बीता जा रहा है, वो हमें लेने के लिए आने वाला है। हमें तैयार रहना है, भले संकट हो, दुनिया अंधेरी हो, दुनिया वीरान हो, पर उसकी शब्दों की ओर गौर करें, उसने सब कुछ निभा के रखा है, आपको भी वो निभाएगा। अगर इस पृथ्वी के गोले को आज भी प्रभु वो घुमा सकता है तो आपकी जिंदगी को वो आगे बढ़ा सकता है प्यारो। आमेन। विश्वास रखते हैं प्यारो आप? अगर ये पृथ्वी रुक गई एक सेकंड के लिए क्या होगा पता है? इस पृथ्वी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इस पृथ्वी के बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुद्र में से पानी मतलब उछल कर एक सुनामी नहीं बहुत भारी सुनामी के रूप में पृथ्वी को कवर कर लेगा प्यारो, पर उसके शब्द ने आज तक ये होने नहीं दिया है। अगर आप आधार रखते हो उसके शब्दों पर तो कोई सुनामी, कोई ताकत उसको डुबो नहीं सकती है, आपको कोई उखाड़ नहीं सकता है, अगर आप उसके शब्दों पर टिके हुए हो तो। हालेलुया। ये गाना सिर्फ गाने के लिए न गाए, पूरे भाव के साथ अपने आप को उसमें लाइए और उस परमेश्वर को महिमा दे प्यारो। हमारे विश्वास की आशा है कि जल्द ही वो आने वाला है और हमको उसके साथ लेके जाने वाला है और हम उसके साथ अनंतता तक रहेंगे। Somebody
यीशु के नाम में शांति है, यीशु के नाम में आनंद है। वो ही हमारी शरण है, वो ही हमारी ढाल है, वो ही हमारा दृढ़ गढ़ है, वो ही हमारा किला है। जो भी उसमें शरण लेता है, जो यीशु में शरण लेता है, वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी निराश नहीं होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। अगर दुख और तकलीफ आएंगे भी तो भी वो उसको हानि नहीं करने पाएंगे, क्योंकि यीशु हमारी चट्टान है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी सुरक्षा है। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाकर उसको महिमा दीजिए। भजन संहिता 84 उसकी कुछ आयतें इस प्रकार कहती है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरियों ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आज ये वचन आपको और मुझे हियाव देता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, वे उसकी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अग्निवृष्टि उसमें आशीष आशीष उपजाती है। हालेलुया, 84 का 9वीं आयत कहती है, मेरे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। और 10वीं आयत, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के हजार दिन से उत्तम है। मेरे पीछे पीछे कहिए, क्योंकि परमेश्वर के आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन में से उत्तम है। हालेलुया, सच में परमेश्वर के साथ का समय सबसे श्रेष्ठ समय है, और यह समय किसी और परिस्थिति को, किसी और चीज को मत दीजिए, लेकिन उसको महिमा दीजिए। हालेलुया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। यह परमेश्वर का वचन है, बोलिए अपने लिए, खुद के लिए बोलिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो यीशु पर भरोसा रखता है, अपना एक एक समय यीशु को देता है। हम ये गीत, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, सच में जिस दिन में, जिस समय में, जिस कार्य में यीशु ना हो वो व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा हर एक पल, हर एक समय, हर एक क्षण सिर्फ यीशु के साथ ही आशीषित है। जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। आइए हम परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ है, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और तेरे बिना मैं जीना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे हर पल में, हर मिनट में, हर समय में तू मेरे साथ हो, मैं तेरे साथ साथ जीवन बिताऊँ। तू मेरे लिए उत्तम है, तू मेरे लिए श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए आशीष है।
रक्षक है, वो ही हमारा ढाल और किला है। जब यीशु ही हमारे जीवन में नहीं, तो ये सब बातें हमारे जीवन में कैसे हो सकती है? आज यीशु से कहिए सच में कि तू ही मेरी क्षमता है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है। करो आप ऐसे जन हो सकते हो जो अपने घर का एक अकेला सहारा हो। आपको लगता होगा कई बार शायद कि मैं अपने घर का कैसे पूरा कर सकूंगा, कैसे कर सकूंगी, मेरा भविष्य क्या है, इतनी छोटी तनख्वाह में मेरे बच्चों का, मेरे माँ बाप का, मेरे पति का मैं गुजारा कैसे करूंगी, कैसे करूंगा, मैं बीमार हूं, तकलीफ में हूं, और ऐसी स्थिति में जीवन की नैया कैसे आगे बढ़ेगी। पर पौलुस, उसका वचन, उसका विश्वास और उसके विश्वास का अंगीकार हमें याद दिलाता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप उस महान खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह की शरण में हो, वो आपकी क्षमता है प्यारे, वो आपकी ताकत है, वो आपका किला है और वो आपका रक्षक है। आप इस संसार के समंदर में पार उतर कर जाओगे उस पार, और वो भी सामना करते हुए हर संघर्ष में विजय पाते हुए। फर्क यही पड़ता है कि आप किसकी शरण में रहना पसंद करोगे, किसके हाथों के तले रहना पसंद करोगे। ये संसार के जो बड़े बड़े नाम है ना, कल को मिट जाएंगे, आपके ऊपर से उनका हाथ हट जाएगा, आप कहां जाओगे। बेहतर है प्यारो हम सभी लोग उस खुदावन परमेश्वर के हाथों के तले रहे, उसकी शरण में रहे। वो हमारा किला, वो हमारी क्षमता, वो हमारा रक्षक, वो हमारी ताकत बनकर हमारे जीवन के अंत तक हमें निभाएगा प्यारो। वो तैयार है, पर क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो इस स्टेंजा को आप गा सकते हो, क्षमता ये मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है। यस प्रभु, तू रहेगा तो सारे रिश्ते रहेंगे, तू रहेगा तो जीवन रहेगा, मैं सच में चलूंगा तो प्रभु मेरे दिल में खुशियां रहेगी, और प्रभु संसार की कोई ताकत मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। मैं बना रहूंगा, मैं दृढ़ रहूंगा, मैं कभी भी कोई भय से, कोई बीमारी से, कोई संसार की कोई ताकत से हटाया नहीं जाऊंगा, उखाड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं चट्टान पर बांधा गया हुआ घर हूं। क्या आपकी क्षमता है यीशु? किसकी क्षमता पर आप चल रहे हो? कौन है आपकी ताकत? कौन है आपका रक्षक? इस भारी एपिडेमिक के समय में आपकी सुरक्षा कौन है? यीशु ही है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी भाग लो, इस संसार की बीमारी आपको पकड़ लेगी अगर आपका रक्षक यीशु नहीं होगा तो। यीशु की शरण में बने रहेंगे जरूर। संसार की बीमारी तो क्या है प्यारो, सब कुछ यीशु ने उठाया है, और वो आपको भी उठाएगा, थाम कर रखेगा, सामर्थ देगा, बल देगा, अंत तक चलाए रखेगा। विश्वास से इस दूसरे स्टेंजा में जुड़ी एक क्षमता मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है।
देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।